हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फाइंडर। जॉब फाइंडर में आपका स्वागत है। और देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 15 फरवरी 2019, तीनों शिफ्ट के जो एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं और उसके पूछे गए जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, ताकि जिनका आने वाला एग्ज़ाम है उनको थोड़ी सी हेल्प हो सके। ठीक है, अब जो है 3 या 4 दिन के एग्ज़ाम यहाँ पर पेंडिंग है आरपीएफ कांस्टेबल के। और जो क्वेश्चन बताऊंगा, ये देखिए, यहाँ पर मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कि पहला जो है फर्स्ट शिफ्ट का है और फिर सेकंड शिफ्ट के, यहाँ पर तीनों शिफ्ट के मेरे पास मिक्स क्वेश्चन है। मुझे खुद नहीं पता कि कौन कौन सी शिफ्ट के वो क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, चीन का शोक कौन सी नदी को कहते हैं। ठीक है, शिफ्ट मुझे नहीं पता कि ये कौन सी शिफ्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं, बट ये क्वेश्चन 100% आज की डेट में आए हुए हैं। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है हांगहो नदी। ओके, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन पे मुझे डाउट में है, अगर आपको उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका कमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप कितने साल बाद आता है। तो 4 साल बाद वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन हैं। तो कौन थे, सर सैयद अहमद खान मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे अधिक सड़क घनत्व वाला राज्य पूछा था। तो केरल ऐसा राज्य जिसका सड़क घनत्व सबसे ज़्यादा है। और देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही, साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर आपके कुछ डाउट हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम जो है वो शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शुष्क फल से संबंधित एक क्वेश्चन था। बस मेरे पास इतना ही क्वेश्चन आया था कि शुष्क फल। ठीक है, तो ऐसे फिर क्वेश्चन हम नहीं बता सकते क्वेश्चन क्या पूछा गया था। टाटा स्टील जो कंपनी है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो 25 अगस्त 1907 को उसकी स्थापना हुई थी और कहाँ पे हुई थी, जमशेदपुर में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और देखिए, इससे पहले जो है लोहे के कारखाने की स्थापना जो है वो कुल्टी में भी हुई थी, पर वो छोटे पैमाने पर था और वो ज़्यादा दिन वहाँ पर चला नहीं। उसके बाद जो है बड़े पैमाने पर 25 अगस्त 1907 को स्थापना हुई थी जमशेदपुर, ठीक है, बिहार झारखंड में। नेक्स्ट है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है। तो ये उद्यान कृषि से स्वर्णिम क्रांति संबंधित है। भाग 21 का संबंध किससे है। तो अस्थाई संक्रमणकालीन जो है उनसे जो है भाग 21 के संबंध है। 21 भाग की बात कर रहा है, ठीक है, अनुच्छेद नहीं है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, पंचायती राज किस अनुच्छेद में है। तो 243 में पंचायती राज है। और जिसने मेरे पास ये क्वेश्चन भेजा था उसने आंसर दे रखा था मेरे को 40। और देखिए, 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। ठीक है, पंचायती राज की अगर हम बात करें तो वो 243 में है। दोनों क्वेश्चन यहाँ पर अलग अलग बनते हैं। अगला क्वेश्चन था, रियो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। तो 2 पदक जीते थे, ठीक है, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। वूलर झील कहाँ पर स्थित है। तो जम्मू कश्मीर में वूलर झील है और ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की, ठीक है, याद रखेंगे, सिर्फ भारत की। विश्व की कौन सी है, तो विश्व की है सुपीरियर झील। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन था, मत्स्य पालन किस क्षेत्र से संबंधित है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता, ये भी शायद यही क्वेश्चन था, या फिर मत्स्य की जो है वो कृषि पूछी थी कि उसको क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता, पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। और उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। जम्मू कश्मीर का संविधान कब अलग हुआ। तो 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान भारत से अलग हुआ था। संविधान को कब अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को संविधान को अपनाया गया था, ठीक है। और बनकर कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। पुरी कहाँ पर है। तो देखिए, आपको पता है पुरी में जो है एक मंदिर भी है, पुरी का जगन्नाथ यात्रा, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, तो ये उड़ीसा में स्थित है। परी महल कहाँ पर है, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन इस बार देखा है, तो ये श्रीनगर में परी महल है। बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं, सॉरी, ये बाघ की गुफाएं, तो ये मध्य प्रदेश में है, बाघ है, बाघ, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, अलग अलग क्वेश्चन है। और मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं, टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। और देखिए, जिनका आने वाला एग्जाम है वो ये वाले वीडियो जरूर देख के जाना, संविधान से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, लिंक सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर मेरी वीडियोस में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको सभी वीडियोस अवेलेबल हैं।
और आज की शिफ्ट का जो पेपर था मॉर्निंग शिफ्ट का और जो सेकंड शिफ्ट थी उसका पेपर जो है बहुत टफ आया। सिर्फ जीके के लेवल की बात करें, बाकी पेपर तो नॉर्मल ही था, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, पर जो जीके थी और जीके में जो साइंस आ रही थी वो अच्छे लेवल की आ रही थी। मैंने बहुत सारे कमेंट देख लिए हैं, जो अगर आप मेरे चैनल पर कम्युनिटी में जाएंगे तो बहुत सारे कमेंट मिल जाएंगे वहाँ पर आपको। वहाँ पर कमेंट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही है कि आज का जो है शिफ्ट बहुत टफ आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नीले लिटमस को कौन लाल कर देता है? तो अमल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और अमल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, ठीक है। और दूसरी बात की बात करें हम, जो क्षार होते हैं उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है और वो लाल लिटमस को फिर से नीला कर देता है, ठीक है। और जो पीएच मान 7 होता है वो होता है उदासीन। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो ये शायद डाउट में है क्वेश्चन, इसका आंसर या तो राज्यपाल होगा या फिर इसका जो है वो विधानसभा या संसद होगा, ठीक है। ये कन्फर्म नहीं है, अगर आपको पता है आंसर तो प्लीज़ आंसर जरूर बताना। नेक्स्ट है 9th अनुसूची, ठीक है। 9th अनुसूची किस संशोधन में जोड़ी गई थी? तो पहला ही संविधान संशोधन था जिसमें 9th अनुसूची जोड़ी गई थी और वो हुआ था 1957 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसाई जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? पूरे विश्व की बात करें तो अफ्रीका जो महाद्वीप है और जो कंट्री है वहाँ पर मसाई जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट था, हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो किस युद्ध के दौरान हुई थी? दूसरे अंगला मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हुई थी। चौथे अंगला मैसूर युद्ध के दौरान जो है वो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, लोकसभा के सदस्यों के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 25 साल जो है वो लोकसभा के सदस्यों के लिए उम्र होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए कितनी होती है? 30 होती है। और ऐसे ही अगर बात करें यहाँ पर स्टेट की, तो विधानसभा हो गया, विधानसभा के लिए कितनी होती है यहाँ पर? 25। और वैसे ही विधान परिषद की बात करें, विधान परिषद, परिषद में होती है 30 साल, ठीक है। क्योंकि देखिए राज्यसभा ऊपरी सदन है, विधान परिषद भी ऊपरी सदन है, जो जो ऊपरी सदन है उसके अंदर 30 वर्ष उम्र होती है। नेक्स्ट है, दोलन की चाल किस पर निर्भर करती है? तो मुझे ऑप्शन इसका नहीं पता, इसका ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पीट्स इंडिया एक्ट भारत कब आया? तो 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट जो है वो भारत आया था। संसद का ऊपरी सदन क्या होता है? तो वो राज्यसभा होता है संसद का ऊपरी सदन। और इससे रिलेटेड आपको आर्टिकल पता होना चाहिए, 79 में आता है संसद, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है। 80 में आता है राज्यसभा और 81 में आता है लोकसभा, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी जाति अंडमान में नहीं पाई जाती? तो ये आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है, अंडमान निकोबार में कौन सी जाति पाई जाती है? ओज भी पाई जाती है, शैम्पियन भी पाई जाती है, पर कौन सी जाति नहीं पाई जाती ये तो खैर ऑप्शन से ही पता लगेगा कि क्या क्वेश्चन पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट था, किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं? तो बृहस्पति ग्रह है जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो कौन सा है? गैनीमेड है। और थोड़े दिन पहले जो क्वेश्चन आया था कि किस ग्रह के सबसे ज़्यादा वलय हैं, तो शनि में सबसे ज़्यादा वलयों की संख्या है 7। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, गांधी ने किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो 1924 में बेलगांव में जो अधिवेशन हुआ था उसमें गांधी जी भाग लिया था, उसमें अध्यक्ष भी बने थे, ठीक है। और अगर गोलमेज सम्मेलन पूछा हो, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता, तो गोलमेज सम्मेलन वो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी और लाला हरदयाल ने की थी। सबसे कम घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है, तो सही जवाब होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार 46 इसका घनत्व है, ठीक है। और अगर राज्य की बात करते तो राज्य में आएगा अरुणाचल प्रदेश जिसका 17 है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? वो है दिल्ली का। और सबसे अधिक राज्य में घनत्व किसका है? वो है बिहार का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, लकड़ी से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? और एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि लकड़ी से बने गुद्देदार पदार्थ को क्या कहते हैं, तो ये ऑप्शन के ऊपर आपका क्वेश्चन डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है? तो रूस से ली गई है, और ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। और देखिए जिनका आने वाला एग्जाम है वो ये वाली वीडियो जरूर देखना, आरपीएफ कांस्टेबल 2 से लेकर 12 फरवरी तक के सभी 350 प्लस जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसका मैंने आपको अलग से वीडियो दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाकर जरूर देख लेना, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। और साथ साथ मैंने यहाँ पर मैथ की वीडियो भी बहुत सारे अपलोड की है, चक्रवृद्धि ब्याज, ट्रेन, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आपके आरपीएफ कांस्टेबल नहीं बल्कि एसएससी जीडी में भी काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 11 होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं?
तो संसद के दोनों सदन जो होते हैं वो राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और इसका जो चुनाव होता है वो होता है अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। जो मैंने कल क्विज दी थी एक संविधान टेस्ट की, जो मैंने आपको पहले दिखाया, उसके अंदर मैंने ये वाला क्वेश्चन भी कवर किया है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, सिंपल सा क्वेश्चन था। लाल कंगारू किस देश में पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में है कि किस विधायक को साधारण बहुमत की जरूरत होती है, विधायक था या विधेयक था, ये क्वेश्चन मुझे कन्फर्म नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? तो वो महान्यायवादी हैं और अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आते हैं। तो गाइज यही थे आज के कुछ क्वेश्चन जो कि मुझे मिले हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।